फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुवेश ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मैं आ गई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेकर, और ये रेसिपी ब्लॉग है। आप सब देखिएगा जरूर और बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आप सबको। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सबको देख के पता चल ही जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, ये मैं पेस्ट पीस के तैयार की हूँ और ये मैं कल ही पीस के तैयार की थी। इसमें उड़द की दाल और चने की दाल को भिगो के फुला के पीसी थी और पीस के रखी थी। और अभी इसमें इनो ऐड की हूँ और नमक और लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का। और मैं जा रही हूँ खमन बनाने, और कैसे खमन बनाते हैं मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, आप बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग के एंड तक। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं इस बर्तन में निकाल रही हूँ, ये है इडली का बर्तन। अगर आप सबके पास इडली का बर्तन नहीं होगा तो आप सब घर में जो यूज करते हैं कोई गड्ढा वाला थाली भी लेके बना सकते हैं, किसी पतेले में या मतलब ऐसे कढ़ाई में भी। लेकिन हमारे पास इडली वाला बर्तन है इसलिए मैं उसी में बनाती हूँ हमेशा। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें निकाल दी हूँ और इसके बाद मैं गैस पे रखूंगी, आप सबको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। आप सब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कि मैं ये बर्तन में निकाल दी हूँ और इतना मतलब हाइट क्यों छोड़ी हूँ ताकि ये जब गैस पे जाएगा तो पकेगा तो स्पॉन्जी टाइप पे होता है तो ऊपर की तरफ वो फेंकता है, तो इसलिए मैंने इतना मतलब खाली छोड़ा है, वरना मैं पूरा फूल करती। तो आप सब ये ध्यान दीजिएगा जब भी बनाइएगा कि इतना जगह छोड़ के ही बनाइएगा। देखिए जैसे मैं ये इडली का बर्तन है इसे ढक दी हूँ और मैं आधे घंटे के बाद नॉर्मल फ्लेम करके, देख सकते हैं फ्रेंड खमन बन के रेडी है। अब मैं इसे जा रही हूँ फ्राई करने और फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड अभी मैं खमन को फ्राई करने वाली हूँ। इसमें मैं मिर्ची पहले फ्राई कर लेती हूँ और यहाँ कांदा काट के रख लिए हैं। देख सकते हैं राई और मिर्ची फ्राई करने के बाद खमन में डाला जा रहा है, क्योंकि खमन को फ्राई नहीं करते हैं, ऊपर से जो राई और मिर्ची है उसको फ्राई करके उसमें ऐड किया जाता है। देखिए फ्रेंड खमन तैयार हो गया है, अब मैं चलती हूँ खाने। अगर आप सबको भी खाना हो तो आप सब आ सकते हैं हमारे यहाँ, और मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।